चलिए सीधा अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। तो पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी पहुंचे हैं और उन्होंने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है आज, और इसी को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी भी पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं और पुष्पमाला अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और दोनों ही प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी सीएम योगी के साथ मौजूद हैं। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। बचपन की शिक्षा गांव में ही प्राप्त करने के उपरांत वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रदेश के प्रमुख शिक्षा के केंद्र प्रयागराज में आए। उच्च शिक्षा के दौरान ही देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन हो या उसके उपरांत आजादी की लड़ाई की प्रत्येक उस अभियान में स्वर्गीय बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और उसके उपरांत फिर स्वतंत्र भारत में भी अनेक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना एक योग्य और तेजस्वी नेतृत्व दिया था। लोकतंत्र का गला घोंटने का जब प्रयास हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी से मतभेद होने के फलस्वरूप उन्हें मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ा था। और जब भी लोकतंत्र की बात हुई, मानवीय संवेदना की बात हुई, विकास की बात हुई, तो सर्वे बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ करके
उन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस योजना भवन में उनकी जन शताब्दी वर्ष में प्रदेश सरकार ने इस मूर्ति की स्थापना करवा करके प्रदेश के प्रति उनके योगदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज के इस अवसर पर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पावन पुण्य तिथि पर प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए फिलहाल के लिए इतना।